अस्सलाम वालेकुम। DJI Mini 2 कहते हैं कि रात को उड़ाने के लिए नहीं है, ये अंधेरे में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। अभी मगरिब हो चुकी है और मैं थोड़ा सा पंगा लेने लगा हूँ, इसको उड़ा के देखते हैं कि ये कैसी वीडियो आती है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, लाइट्स कैसे कैप्चर करता है। थोड़ा सा वरीड भी हूँ इस टाइम क्योंकि फैसलाबाद में तंग उड़ रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी है कि यार ऐसा ना हो कि मेरा ड्रोन किसी के तंग की डोर में ही उलझ जाए। तो खैर देखते हैं, इसको उड़ाते हैं और देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। तो कहा जाता है कि DJI Mini 2 अंधेरे में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, लेकिन ये वाली वीडियो सूरज ग्रूप होने से 2 से 3 मिनट के बाद रिकॉर्ड की गई है। आप देख सकते हैं कुछ कुछ लोगों ने शहर में लाइट्स ऑन करना शुरू कर दी हैं। आपको शायद मोबाइल पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो फ़र्क बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र ना आए, लेकिन अगर आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो नज़र आएगी इस डिम लाइट में भी। तो इस हिसाब से तो भी ठीक है। थोड़ा ड्रोन और फ्लाई करते हैं और देखते हैं जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है उस टाइम किस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करता है। मैं शायद बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप ना देख पा रहे हो, लेकिन मैं ड्रोन भी काफ़ी ऊंचा उड़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पतंगबाजी हो रही है और मुझे थोड़ा डर था कि किसी पतंग की डोर में ये ड्रोन उलझ के गिर ना जाए। लेकिन ये जगमग जगमग करती लाइट्स बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं और मेरे ख्याल इस ड्रोन को आराम के साथ शाम में किसी भी शहर के हसीन नज़ारे और उसकी लाइट्स कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस टाइम मुकम्मल अंधेरा हो चुका है और अब इसको दोबारा फ्लाई करके देखते हैं कि कैसा रिजल्ट कैप्चर करता है और वो लाइट्स और नीचे सिटी का व्यू कैसा आता है। काफ़ी अंधेरा हो गया और मैंने क्योंकि ड्रोन के ऊपर कोई इल्यूमिनेटिंग लाइट यूज़ नहीं की थी तो मैं ड्रोन को ट्रेस भी नहीं कर पा रहा कि मेरा ड्रोन इस टाइम है कहाँ पे, और उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉट बैड एट ऑल यार, बड़ा मज़ा आया शाम के टाइम इसको उड़ा के। मैंने वो इसका जो मैनुअल पढ़ा था कि ये रात को नहीं उड़ सकता, ठीक है वो ह्यूमन फेसेस जो है वो कैप्चर नहीं कर सकता होगा, लेकिन रात को उड़ा के ये लाइट्स और ये रोड्स को कैप्चर करने में बड़ा मज़ा आया और इससे आप अपने शहर की खूबसूरती को रात के टाइम भी कैप्चर कर सकते हैं। हाँ थोड़ा मसला मुझे ज़रूर हुआ जब बिल्कुल अंधेरा हो गया था उस टाइम, क्योंकि ड्रोन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लाइट मैंने नहीं लगाई हुई थी जो मैं उसे दूर से ट्रेस कर सकूं, तो मुझे ज़रा डिफ़िकल्टी हो रही थी। मैं मैप को देख के उसको वापस तो लेके आ रहा था लेकिन मुझे ये श्योरिटी नहीं थी कि यार रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई ट्री या कोई बिल्डिंग या कोई
खंभा वगैरह तो नहीं है जिससे ये टकरा ना जाए, तो उसको काफ़ी ऊपर फ्लाई करके फिर मैं वापस लेके आया था। ये एक परेशानी मुझे ज़रूर हुई है।